आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने पन्ना में पदभार संभालने के बाद अजयगढ़ तहसील के औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर पन्ना सीधे SDM कार्यालय पहुंचे और वहां पर अपने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों से राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। क्षेत्र और नगर की समस्याओं से रूबरू हुए, जिसमें मुख्य रूप से राजस्व अभिलेख में खसरा खतौनी की फीडिंग शत प्रतिशत करने और नामांतरण बंटवारा के प्रकरणों का जल्द निराकरण करने को आदेशित किया। इसके बाद नगर में कोई स्टेडियम न होने पर प्राथमिकता के आधार पर नगर में स्टेडियम बनवाने का आश्वासन दिया और जय स्तंभ स्थित खेल मैदान का निरीक्षण किया और लोगों से रूबरू हुए और एवं पत्रकारों से बातचीत की। बहुत अच्छा लग रहा हमको, अच्छी जगह है अजयगढ़। यहाँ पे जनता के जो समस्याएं हैं जो मीडिया के साथियों ने उठाई थी, अभी खाद की समस्या थी, खाद का हमने यहाँ पे व्यवस्था यहाँ कराई है। और भी जो समस्या है लोगों की, यहाँ रहने की, आपने रास्ते की समस्या बताई है, या पास में उत्तर प्रदेश सरकार से एक हमारा डैम बनना है, उनसे ज़मीन की समस्या है, उसको मैं देखने जा रहा हूँ। तो जो भी स्थानीय समस्याएँ होंगी उसका यहाँ पे निराकरण होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए यहाँ पे नामांतरण बंटवारा, ये जो लंबी थे यहाँ पे बहुत दिनों से, उसका भी जल्दी हम निराकरण कराएंगे। और अन्य जो आज जो मैं यहाँ मुख्य रूप से देखने आया था, यहाँ पे उत्कृष्ट विद्यालय के पास में जो नगर पालिका एक मिनी स्टेडियम बनाने की तैयारी कर रही, उसकी भी मैं देखने आया हूँ। उसकी भी जो मंजूरी शासन, तो भी हम जल्दी कराएंगे, उसका निर्माण कार्य चालू करेंगे। अजयगढ़ से मोहम्मद आजाद की रिपोर्ट।